तो आज का टॉपिक है लिपिड। कल पढ़ा था बोले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में CHO 1:2:1 में पढ़ा था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, तीनों के अलग अलग प्रकार। मोनो मीन्स एक ग्लूकोज का अणु, ऑलिगो माने एक से अधिक, 10 से कम, और पॉली माने क्या था, बहुत सारे ग्लूकोज के अणु जुड़ते हुए चले जाते हैं और ग्लाइकोजेनिक बॉन्ड द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बाद आज पढ़ रहे हैं अपन लिपिड। लिपिड का मतलब होता है फैट, और फैट का नाम होता है वसा हिंदी में। तीन चीजें पढ़ते हैं ना अपन लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया है, वसा पढ़ रहे हैं, वसा को अपन लोग फैट या लिपिड्स बोलते हैं। तो ये लिपिड अपन लोग जानते हैं अच्छी तरह से, अपने शरीर में कहते ना मोटापा हो गया, फैट अधिक जमा हो गया, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन लोग। तो इंट्रोडक्शन के रूप में जो लिपिड शब्द है, फैट्स LIPOS लाइपोज बराबर होता है फैट। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विलहेम ब्लूम, लिखा है विलहेम ब्लूम, विलहेम ब्लूम ने 1943 में ये फैट शब्द की या लिपिड शब्द की खोज की थी। लिपिड का दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, फैट से जुड़ा है, मोटापा कहते हैं ना, मास अधिक है। तो ये विलहेम ब्लूम ने दिया था। विभिन्न प्रकार के इसमें तेलीय पदार्थ, वायु, वैक्सी, मोमयुक्त, स्नेहकीय, कार्मिक पदार्थ पाए जाते हैं। फिर भी इनको दो भागों में डिवाइड किया इन्होंने, फैटी एसिड जो हाइड्रोलिक पदार्थ होते हैं, और दूसरा दिया इन्होंने क्या है कि ये क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, एसटी, एसीटोन, पेट्रोलियम, केरोसिन आदि में ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल होते हैं, फिर सोलिए जल में आघुलनशील। ये सभी तेलीय पदार्थ जल में कैसे होते हैं, आघुलनशील, इनसोल्यूबल इन वाटर, जबकि सोल्यूबल किसमें होते, घुलनशील किसमें होते, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल मीन्स केरोसिन, इनमें ये सभी तेलीय पदार्थ सोल्यूबल होते। सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन कभी अपन लोग तेल को पानी में डाल दो तो अलग दिखाई देता है, इसलिए क्या बोलते हैं, जल चूंकि उदासीन होता है इसलिए वो इनसोल्यूबल होता है। अब इसका अगर हम थोड़ा क्लासिफिकेशन की बात करें लिपिड के, तो लिपिड के क्लासिफिकेशन में लिपिड का जो दो प्रकार का होता है, फैटी एसिड्स नंबर एक क्या दिया इन्होंने, फैटी एसिड्स के रूप में, और दूसरा दिया इन्होंने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो फैटी एसिड्स क्या है, FATTY, इसका सूत्र सुन लीजिए। फैटी एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आ जाता है। फैटी एसिड जो होते हैं एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जरा समझ से आना, फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन वाले, हाइड्रोकार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। एक सिरे पर COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ध्यान रखना, एक ग्रुप पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको बोलते हैं COOH, और दूसरे ग्रुप पे CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। एक पर क्या होता है COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे सिरे पर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप माने CH3। लेकिन कुछ कार्बनिक अणु जो जल रागी होते हैं उसमें COOH और CH3 दोनों प्रकार से आपस में जुड़े रहते हैं। इसका सूत्र CnH2NOn होता है। फैटी एसिड का इसका सूत्र क्या बोलेंगे, CnH2NOn। तो ये फैटी एसिड्स का फॉर्मूला है। अब फैटी एसिड्स में दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हिंदी क्या होती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, इसको बोलते हैं संतृप्त वसी अम्ल और असंतृप्त वसी अम्ल। दो प्रकार के हो गए, फैटी एसिड्स और यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड एसिड होते हैं कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड नहीं होते, जरा ध्यान रखना, संतृप्त वसीय अम्ल। दूसरा क्या है, असंतृप्त वसी अम्ल। संतृप्त वसी अम्ल जो है एक सीधी चेन वाली यौगिक होती, और हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन परमाणु के बाद डबल बॉन्ड नहीं होते, जैसे घी और चर्बी, ये दो शब्द हैं, घी और चर्बी जो कैसे होते, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में
कार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। वनस्पति तेल, इसका उदाहरण क्या दिया उन्होंने, वनस्पति तेल, ऑलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, जिसमें तीन तीन जगह पर, एक जगह पर, दो जगह पर, फिर तीन जगह पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से ये जुड़े रहते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर से सुन लीजिए, संतृप्त वशीय अम्ल और असंतृप्त, ये किसके भाग हैं, फैटी एसिड के। फैटी एसिड को अपन लोग क्या बोलते हैं, वशीय अम्ल, सी एन एस टू एन ओ एन, ये सूत्र है, या सी एस थ्री सी एस टू का होल फोर्टीन सी डबल ओ एन, लिनोलेनिक एसिड होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एसिड के उदाहरण क्या है, घी और चर्बी, जिसमें क्या बताया कि डबल बॉन्ड नहीं होता, इनके मध्य कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड नहीं होता है। और असंतृप्त में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड एक जगह, दो जगह, तीन जगह, ये क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या आ जाता है, वनस्पति तेल, ऑलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये होती है। अब दो तीन डिफरेंस देख लीजिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से पढ़ लिया, इनमें डिफरेंस नहीं होता, इसी में क्लासिकल रूप में एक सिंपल प्रकार का होता है, तो नेचुरल फैट होता है और दूसरा नेचुरल ग्रेस होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, किसके डिफरेंस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या अंतर है, जो जो मुख्य क्वेश्चन है यही है। फैटी एसिड, फैटी एसिड्स के बाद ये दो प्रकार का, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने दो उदाहरण बताए, घी और चर्बी, और अनसैचुरेटेड में वनस्पति तेल। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में तीन चार डिफरेंस देख लीजिए, संतृप्त और असंतृप्त वशीय अम्ल में। संतृप्त वशीय अम्ल का जो पहला है, इस चेन के सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, यह बताया, और इसमें क्या होते हैं, एक या अधिक स्थानों पर दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ये सीधी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं सैचुरेटेड, और ये कैसे होते हैं, दोहरे बंध द्वारा स्थानों पर ये मुड़े हुए होते हैं। तीसरा, इनका गलनांक अधिक होता है, किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का गलनांक अधिक होता है, और इनका गलनांक कैसा होता है, कम होता है। सामान्य ताप यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अर्धठोस होते हैं, कौन, सैचुरेटेड फैटी एसिड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अर्ध ठोस होते हैं, और ये सामान्य ताप पर ये तरल अवस्था में होते हैं। ये डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। अधिकांश जंतु वसाओं में पाए जाते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स वगैरह, पादप वसाओं तेल में पाए जाते हैं, यानी प्लांट्स में पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड। वनस्पति तेल बोला ना, और तेल किससे निकालते हैं, लोग जानते हो कहीं, शेवा, राई, तिली, अरशी, ढेर सारी, ये सब पौधों से प्राप्त होते हैं, उनसे तेल निकालते हैं। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, फिर से सुन लीजिए, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, इसमें दो या दो से अधिक होते हैं, ये सीधी चेन के होते हैं, और ये मुड़े हुए डबल बॉन्ड के कारण मुड़े हुए होते हैं, इनका गलनांक अधिक होता है, उनका गलनांक कम होता है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अर्ध ठोस हो जाते हैं, और ये सामान्य ताप पर तरल अवस्था में हो जाते हैं। सजीवों में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सजीवों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लास्ट है सैचुरेटेड, अधिकांशता एनिमल्स में पाया जाता है, अनसैचुरेटेड अधिकांशता प्लांट्स से निकलता है, प्लांट्स में पाया जाता है, उसी से अपन लोग उपयोग करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब डिफरेंस इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में ये तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड में उदासीन और नेचुरल बेसिस दिया है, और दूसरा दिया है कंपाउंड, कंपाउंड में फास्फोलिपिड दिया, ग्लाइकोलिपिड दिया, और तीसरा दिया ड्राई व्युत्पन्न लिपिड, इसमें कोलेस्ट्रॉल का वर्णन होगा। कोलेस्ट्रॉल का आप लोग जानते हैं, जो पहला दिया है फैट सिंपल लिपिड में, सिंपल लिपिड में एक होता है मधुमक्खी मोम, अभी बताते हैं समीकरण लिख करके। दूसरा जो कंपाउंड है सब फास्फोलिपिड होता है और ग्लाइकोलिपिड होता है और लियोप्रोटीन। तीसरा जो व्युत्पन्न लिपिड होता है, व्युत्पन्न लिपिड की विशेषता आपने बताया कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल है क्या, संरचना तो बहुत बड़ी होती है इसकी, वो बोर्ड पे नहीं बना सकते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल आपको पता है अपने शरीर में क्या करता है, अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पहले तो समझ लीजिए होना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा कई क्रियाएं संपन्न होती है। लेकिन यदि ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, अर्ध ठोस पदार्थ होता है, इसका डिटेल हम बताते हैं लेकिन फंक्शन बता रहे हैं,
तो ये क्या करता है, ब्लड के साथ बहता रहता है और जोड़ों पर जमा होने लगता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा होने लगता है तो जो ब्लड सर्कुलेशन में बाधा पहुंच जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन जब बाधा पहुंचेगी तो ब्लड जब नहीं पहुंच पाएगा तो मनुष्य को रोग शुरू हो जाते हैं। कौन सा? हार्ट अटैक का, ब्लड प्रेशर का, क्योंकि जब हृदय में उतनी मात्रा ब्लड की नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि जोड़ों पर क्या होता है, जैसे ये धमनी और शिराओं से ब्लड बहता है, वह ब्लड जैसे ही वहां पर जोड़ों पर पहुंचेगा तो वहां पर जोड़ों पर क्या जमा हुआ है? कोलेस्ट्रॉल। तो वो कोलेस्ट्रॉल के कारण से उस गति धीमी हो जाती है पहुंचने में और जाने में, इस कारण से मनुष्य को हार्ट अटैक की संभावना होती है। इसलिए डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, रिफाइंड तेल उपयोग करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड में क्या होता है, हालांकि कुछ दूषित रिफाइंड आ रहा है लेकिन जो साइंटिफिक तरीका है उसमें से कोलेस्ट्रॉल को मशीनों के द्वारा फिल्ट्रेट कर लिया जाता है। असर है कि नहीं? तो ये है कोलेस्ट्रॉल की विशेषता। अब इसकी संरचना के बारे में हम आपको बताते हैं। अब इसी में जब हमने बताया था कि मधुमक्खी का जो वैक्स मोम होता है, मधुमक्खी आपको पता है तीन प्रकार के परिवार में सदस्य रहते हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। जो वर्कर लाकर के मकरंद लाते हैं और बिलों को बनाते हैं, अपने छिद्रों को बनाते हैं और उसमें वैक्स का उपयोग करते हैं। वैक्स के बाद जो बनता है वो कैसे बनता है? पाइलमेटिक एसिड CH3CH2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 
ओसोन CWH का SCS3 SCS2 CS2 का O 24 CS3 जब इनकी क्रिया होगी तो माइनस एस को निकल जाएगा फिर क्या बनेगा हेक्सा कोसाय पाल्मिटेट पाल्मिटेट इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं CS3 CS2 का O 14 CWO सी के ऊपर डबल बॉन्ड के बाद CO CS2 और CS2 का होल 24 डैश सिंगल बॉन्ड CS3 ये क्या बनेगा हेक्सा कोसाइल पाल्मिटेट वैक्स वैक्स माने मोम जो उपयोग करती है कुछ मोम ऐसा होता है कि पेड़ों से प्राप्त होता है पेड़ों को क्या होता है एक साले पेड़ होता है उसको क्या है जंगल में बीच बहुत बड़े बड़े जंगलों में पेड़ बड़ा होता है लेकिन क्या होता है वो कमजोर होता है काफी लकड़ी टूट जाती है उसकी लेकिन बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसकी स्किन को छील लिया जाता है और एक दो महीने बाद उस छीले हुए स्थान पर कोल्ड सीजन में वहां पर क्या है अपने आप सफेद रंग की वैक्स गोंद टाइप की संरचना निकलती है जिसको अपन लोग मोमबत्ती वगैरह बनाने में उपयोग करते हैं इसको अपन लोग मोम भी कहते हैं तो वो भी है लेकिन इसका दूसरे डिफरेंस प्रकार का और ये जो है जो बनाया जाता है ये नेचुरल जो मोम का वर्गी जो चलिए फॉर्मूला है वो इस प्रकार का होता है हेक्सा कोसाइल पाल्मिटेट वैक्स ये तीन प्रकार के हो गए उदासीन पहले दिया था सामान्य था दूसरा कंपाउंड था तीसरा ड्राइव था ड्राइव में हमने आपको क्या बता चुके कोलेस्ट्रॉल वगैरह टारपीन्स होता है कोलेस्ट्रॉल के बाद टारपीन्स एक होता है प्रोस्टोग्लैंडिस ये हार्मोन से जुड़ा हुआ आइकोनोइड टारपीन्स ये सभी किसके भाग हैं ड्राइव लिपिड्स के भाग हैं और इसके गुण क्या है लिपिड जो अपन लोग पढ़ रहे हैं इसके दो तीन गुण सुन लीजिए ये जल में कैसा होता है लिपिड अघुलनशील परंतु कार्बनिक बिलाय क्लोरोफॉर्म एस्टोल आदि में कैसा होता है घुलनशील होता है करैक्टर हो गया ये लिपिड रंगहीन तथा गंधहीन पदार्थ होते हैं तीसरा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अर्ध ठोस होते हैं बसा ठोस तेल द्रव होते हैं गलनांक कार्बन चेन की लंबाई और सतह पर निर्भर करता है ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं लिपिड को जल के साथ मिलाने पर ये एम्यूलेशन बना लेते हैं पायस बना लेते हैं और लास्ट पॉइंट है ये ऊष्मा के कुचालक लाइपेज एंजाइम्स की उपस्थिति में जल अपघटन होने पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बनाते हैं ये किसकी है प्रॉपर्टीज है कार्य क्या करता है ये लिपिड लिपिड ऐसा नहीं है कि ये कार्य नहीं करता है कभी आपने सोचा है कभी सुना है कि जैसे मान लो अपने शरीर में भोजन की कमी हुई ग्लूकोज कम हो गया तो ग्लूकोज कम होने के कारण वह मनुष्य मरेगा नहीं पहले वो किससे ग्लूकोज निकालता रहेगा फैट से जैसे आपने देखा होगा नवदुर्गा वगैरह में लोग 10-10 दिन तक व्रत रहते हैं लेटे रहते हैं जवारी निकल आते हैं तो कभी ये सोचा है कि इनके पास ना उनको भोजन ना पानी कुछ नहीं दिया जाता तो जो फैट होता है वसा होता है शरीर से उससे क्या खींचते रहते हैं ये लोग
ऊर्जा, यानी जो ऊर्जा है, जो ग्लूकोज की मात्रा है जो सबसे अधिक होती है फैट में, उससे निकाल देते। कहते बहुत कमजोर हो गया ये आदमी, बुखार में डला हुआ है, खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा कई दिनों से, लेकिन फिर भी वो जीवित क्यों बना रहता है? क्योंकि जब तक उसके शरीर में फैट है अधिक मात्रा में, मजबूत मात्रा में, उससे क्या खींचता रहता है? ये फैट खींचता रहता है, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सब लेता रहता है, ये फैट में ऑलरेडी उपस्थित है। तो ये दो तीन पॉइंट है इनके। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए कार्य क्या है, क्यूटीन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड के बहुलक होते हैं, जलीय अपघटन से ग्लिसरॉल बनाते हैं, सुवेरिन फैलोनिक एसिड और फाइलोनिक एसिड ये बहुलक होते हैं, और लास्ट है कोलेस्ट्रॉल विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स फॉलिक विटामिन डी आदि का संश्लेषण करता है। विटामिन डी तो आपने सुना है, रिकेट्स वाला, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश वाली प्रोसेस होती है, उससे क्या कर लेता है, अवशोषित करता रहता है और शरीर के लिए लाभकारी होता है। तो ये अपन लोगों ने मुख्य चीजें कुछ पढ़ी है लिपिड की। अगले टाइम पर पढ़ेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वसा पढ़ चुके, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके, अब क्या बचा है? प्रोटीन। इसको अगले टाइम पर लेकर के जाएंगे।